संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। राज्यसभा में टीएमसी सांसद की गंदी हरकत, आईटी मंत्री से बदसलूकी की, पेपर छीन कर फाड़ दिए गए। पेगासस मुद्दे पर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। आज संसद सत्र का तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन आज तो नौबत यहां तक आ गई कि टीएमसी सांसदों ने संचार मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी छीनकर उपसभापति की ओर उछाल दी। दरअसल दो बार राज्यसभा स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने बयान देने के लिए अश्विनी वैष्णव का नाम पुकारा। इसी वक्त तृणमूल कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल के सदस्य आसन के समीप आ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। अभी आईटी मंत्री ने अपना बयान पढ़ना शुरू भी नहीं किया था कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथों से पेपर छीन लिया और फाड़ दिया, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव के पीछे बैठे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और शांतनु सेन के बीच बहस भी हुई। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने न सिर्फ आईटी मिनिस्टर से पेपर छीन कर फाड़े बल्कि उन्हें उपसभापति की ओर उछाल दिया। स्टेटमेंट पाई मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी, प्लीज 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 ऑनरेबल मिनिस्टर को माननीय सभापति महोदय, प्लीज माननीय सभापति महोदय, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। सदन में स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा सभापति महोदय इस स्टेटमेंट को पटल के सदन पे सदन के पटल पे रखा माना जाए। माननीय यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए था, ऑनरेबल चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं, पर आप उस पर बहस नहीं होने देना। आई राइज, ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? बिल्कुल सामने आई राइज के उपसभापति हरिवंश राय लगातार सांसदों को बैठने के लिए बोलते रहे, लेकिन सांसदों ने उपसभापति की एक भी बात नहीं सुनी और जब उनकी एक न चली तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टू मीट एट 11 आवर्स ऑन फ्राइडे 23 जुलाई 2021। वहीं सदन में हुए इस हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस और टीएमसी को घेरते हुए जमकर हमला बोला। और आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में किया वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर हैं हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इंकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि राज्यसभा और लोकसभा चलाने के लिए किस तरह से विपक्ष रास्ते पर आता है और कब तक उनका ये हंगामा चलेगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।